जी बेटे, सेकंड डिग्री जो हमारे पास है एडजेक्टिव की, जिसके अभी रूल्स पढ़े, इससे पहले हमने पॉजिटिव डिग्री के रूल्स पढ़े। अभी सेकंड डिग्री जो हमारे पास है वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में आपने तीन रूल बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के तीन रूल्स ही हमें समझना होते हैं, जानना होते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेटली हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने हमेशा कौन सा वर्ड यूज़ करना होता है, देन का। देन के वर्ड को आप अच्छे से पहचान लें, जहाँ कहीं पर देन का वर्ड आएगा आपने बात पल्ले बांध लेनी है। इसका मतलब दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को, दो प्रोनाउंस को कंपैरिजन में होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का मतलब भी क्या होता है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन को, दो प्रोनाउंस को बेटे क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। तो पहली बात आपने याद रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जब भी आप दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट को, दो प्रोनाउंस को कंपेयर कर रहे होंगे, एक को अच्छा और एक को बुरा बता रहे होंगे, एक को आला और एक को घटिया बता रहे होंगे, एक को गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी में ज़्यादा कम में बता रहे होंगे, तो तब आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो आपने देन का वर्ड लाजमी लिखना है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके सेंटेंस में देन का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके सेंटेंस में लाजमी तौर पर कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। आपको कंपैरेटिव डिग्री निकालनी है उसमें से, ठीक हो गया। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, कंपैरेटिव डिग्री का आफ्टर देन, कि देन के बाद हमने प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है। अभी से पहले पॉजिटिव डिग्री से पहले मैंने आपको बताया, एक सिंपल जुगाड़ मैंने आपको बताया, वो सिंगल जुगाड़ क्या है, जहाँ कहीं पर भी एज प्लस एज आप देखेंगे सेंटेंस में, जहाँ कहीं पर भी आप सो प्लस एज देखेंगे सेंटेंस में, जहाँ कहीं पर भी आप देन देखेंगे, इन तीन एक्सप्रेशन के बाद आपको अगर प्रोनाउन का ऑप्शन आता है कि इसके बाद प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर अजीम यहाँ पर है। तो आपको प्रोनाउन, इसके बाद आने वाला प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन का वही केस लिखना है जो इससे पहले लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पोजेसिव है तो पोजेसिव केस आएगा, उसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। लाइक अगर मैं बोलता हूँ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर, अब ये देखें वर्ड क्या आया, देन, उसकी वजह क्या है, क्या डिग्री यूज हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री, और दो नाउन को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। अब बात यह है कि इसके बाद प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए। अब देन के बाद लिखा हुआ है हर, अब देन के बाद हर लिखा हुआ है, मैंने कहा जो डिग्री पहले यूज होगी वही डिग्री आपने तभी यूज करनी है, अब मतलब जो केस पहले यूज़ होगा वही केस आपने अभी यूज़ करना है। तो पहले यूज़ हुआ हुआ है सब्जेक्टिव केस, तो आपने बाद में भी बेटे कौन सा यू केस यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस। हर आप किसी भी सूरत में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट देन शी। याद रखिएगा यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस में शी इज़ होना चाहिए, शी को इज़ होना चाहिए, लेकिन इज़ जो है वो हम पर रेपिटेशन नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर शी है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या आएगा, शी आएगा। जो नाउन का केस, प्रोनाउन का केस पहले होगा, वही प्रोनाउन का केस आपका देन के बाद होगा, वही प्रोनाउन का केस आपका एस प्लस एस के बाद होगा, वही प्रोनाउन का केस आपका सो प्लस एस के बाद होगा। आपने याद रखना है, आपने भूलना नहीं है, एस प्लस एस, सो प्लस एस और देन के बाद प्रोनाउन का वही केस आएगा जो उससे पहले है। उसके बाद तीसरी बात जो बेटे आपने लिखनी है, याद रखनी है इसके बारे में, वो है आर्टिकल विद कंपैरेटिव डिग्री। आप याद रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन दो केसेस हमारे पास एक्सेप्शंस में हैं, इनको आपने स्टार लिख लेना है। दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक हो गया। पहला केस हमारे पास क्या है, पहला केस जब हमारे पास ये है, जब हम कंपैरिजन के लिए देन का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। लाइक देखिए, मैं अगर सेंटेंस लिखता हूँ, ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स
इज बेटर। अब देखें, मैंने दो को कंपेयर तो किया, लेकिन मैंने देन का वर्ड यूज नहीं किया। देन का वर्ड यूज करने के बजाय मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? ऑफ का प्रेपोजिशन यूज किया। जब मैं दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउन्स को कंपेयर करूंगा और मैं देन का वर्ड यूज नहीं करूंगा, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करूंगा, तो बेटे आपने याद रखना है मैंने कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लिखना है? डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जब तक मैं डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखूंगा तब तक मेरा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। अगर आपके सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, देन का वर्ड यूज नहीं किया गया बल्कि ऑफ का प्रेपोजिशन यूज किया गया है, तो आपने याद रखना है आपने कंपैरेटिव डिग्री को हमेशा किसके साथ लिखना है? इन दिस केस किसके साथ लिखना है? आर्टिकल के साथ लिखना है, आर्टिकल के बगैर आपने इसको नहीं लिखना है। दूसरा केस, इसको हम बेटे बोलते हैं आइडेंटिकल सेंटेंसेस, आइडेंटिकल क्लॉजेस। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल क्लॉजेस। आइडेंटिकल क्लॉज क्या होती है? जब हम दो कंपैरेटिव डिग्री सेम सेंटेंस में यूज करते हैं और दोनों से पहले हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लाइक हम बोलते हैं द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर इट इज। ठीक है, पहले सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया? हायर। दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया? कूलर। दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, एक ही सेंटेंस में यूज हो रही है, दो आइडेंटिकल क्लॉजेस हैं, तो दोनों से पहले मुझे क्या लिखना होगा? आर्टिकल लिखना होगा। जैसे मैं आपको आपके टेक्स्ट का एक सेंटेंस बता देता हूँ इस रूल के अकॉर्डिंगली, उसको आपने हमेशा जहन में रखना है। शेख सादी का एक सेंटेंस है, शेख सादी के थर्ड स्टोरी में से, द मोर द डिजीज वॉज क्योर द मोर इट बिकेम पेनफुल, द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। पहले भी कंपेरेटिव, बाद में भी कंपेरेटिव, पहले क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल। जब भी आप आइडेंटिकल क्लॉज लिखेंगे, आइडेंटिकल क्लॉजेज लिखेंगे जिसमें दोनों कंपेरेटिव डिग्री होंगी, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले आपको क्या लिखना है? डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। तीन बातें आपको कंपैरेटिव डिग्री के हवाले से याद रखनी है। पहली बात, जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा, इसका मतलब हम दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ हमने लाजमी तौर पर देन का वर्ड लिखना है। डन हो गया, या इसको आप वाइस वर्सा कर सकते हैं कि जहां पर भी देन का वर्ड आ रहा है उसका मतलब हम दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को, दो प्रोनाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड जो है वो आपने याद रखना है कि देन के बाद तीनों एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ, बार बार लिख रहा हूँ ताकि भूले नहीं, एज प्लस एज के बाद, सो प्लस एज के बाद या देन के बाद प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, ये दूसरी बात है जो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हमें जाननी है। तो हमने ये कहा कि इनके बाद हमने प्रोनाउन का वही केस यूज़ करना है जो हमने इनसे पहले यूज़ किया हो। अगर पहले कंपैरेटिव होगा, अगर सॉरी अगर पहले सब्जेक्टिव होगा तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, अगर पहले ऑब्जेक्टिव होगा तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर पहले पोजेसिव होगा तो बाद में भी पोजेसिव आएगा। उसके बाद हमने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कौन सा यूज़ करना है, करना भी है या नहीं करना, ये तीसरी बात है, तीसरा रूल है आप कह सकते हैं। तो एक बात आप याद रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। एक्सेप्शन में दो केसेस हैं हमारे पास, दो रूल हैं जहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अगर हम सेंटेंस में देन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कंपैरिजन के लिए, उसकी बजाय हम ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे और दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे सिर्फ, बल्कि बेटे हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल यूज़ करेंगे। डन हो गया। अगर सेंटेंस में देन नहीं होगा, ऑफ होगा, तो फिर हमें कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल यूज़ करना है। उसके बाद तीसरी बात जो बेटे है हमारे पास, आइडेंटिकल क्लॉजेस। आइडेंटिकल क्लॉजेस में हमारे पास ये है, ऐसा सेंटेंस होता है आइडेंटिकल क्लॉज जिसमें दो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई होती है और दोनों से पहले हम फिर क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा द हायर यू गो द कूलर इट इज़, और शेख सादी में से मैंने आपको सेंटेंस बताया द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। आपको ये बातें याद रखनी है, ये रूल याद रखने हैं, ताकि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, इसको अप्लाई करते वक्त
कोई परेशानी ना हो, रूल आपने समझ लेने हैं, बाकी परफेक्शन जो है वो एज पर प्रोमिस्ड, एज यू वर प्रोमिस्ड के आपको क्वेश्चन बैंक में और टेस्ट सेशन में इतनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि ये रूल आपके ऐसे पक जाएंगे जैसे वो कहता है विंस्टन चर्चिल के 3 साल इंग्लिश एक ही क्लास में रहने की वजह से उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश की ग्रामर और चीज़ें वो मेरी हड्डियों में रच बस गई। तो हमने खुदा ना खवास्ता, हमने ऐसा नहीं होने वाला कि आपको 3 साल एंट्री टेस्ट पढ़ाने वाले हैं, या एक ही साल में हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे हर सब्जेक्ट के लिहाज से कि चीज़ें आपकी हड्डियों में रच बस जाएं, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी और बशर्ते आपकी मेहनत के।